Hello dear students, in this video we will discuss about how to find out empirical formula and molecular formula if percentage of element is given. This is the one of the most important topic for board examination as well as JEE and NEET examination. Find out molecular formula and empirical formula of compound based on percentage of given element. Question. Likewise, question is given the percentage of carbon, percentage of hydrogen and percentage of oxygen in a given compound are 40%, 6.66% and 53.33% respectively. Percentage of carbon, hydrogen and oxygen in a given compound are 40%, 6.66% and 53.33% respectively. Molar mass of the compound is 120 gram per mole. Find its molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. क्या क्या चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिए. परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जो एलिमेंट दिए हैं वो एलिमेंट आपको एक टेबल बनाना है इस तरीके से. फर्स्ट मेंशन द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके परसेंटेज कितने दिए हैं वो मेंशन कर दीजिए. कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और 6.7% एंड 53.33%. वॉट एवर द परसेंटेज इज इक्वल टू इट्स गिवन मास. जितना परसेंटेज होगा वही चीज उसका गिवन मास हो जाएगा. तो कार्बन का गिवन मास कंसिडर कर दीजिए 40 ग्राम, इसका 6.67 ग्राम और इसका 53.33 ग्राम. टोटल परसेंटेज 100 होता है इसलिए टोटल ग्राम हम कंसिडर कर सकते हैं गिवन मास. नाउ एटॉमिक मास फॉर वन मोल ऑफ कार्बन एटम कितना रहता है. 12 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल. तो एटॉमिक मास लिख लिया हमने ग्राम पर मोल में, 12 ग्राम, 1 ग्राम एंड 16 ग्राम पर मोल. नाउ मोल निकाल लीजिए. मोल निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास. सो 40 डिवाइडेड बाय 12, कार्बन का गिवन मास 40 था, डिवाइड बाय 12 तो 3.33 मोल्स. इसका 6.67 डिवाइडेड बाय 1 तो 6.67 मोल हाइड्रोजन के. और ऑक्सीजन का 53.33 डिवाइड बाय 16 करेंगे आएंगे तो 3.33 मोल्स. एक बार मोल निकलने के बाद उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है. सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे छोटे मोल थे उससे सबको डिवाइड कर दो. 3.33 और 6.67 में लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मोल किसका हुआ, 3.33. तो सबको 3.33 से डिवाइड कर दो. 3.33 डिवाइड बाई 3.33 1, 6.67 डिवाइड बाई 3.33 2 एंड हियर 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 1. इस तरीके से करने से आपको मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला. चेक कर लीजिए कार्बन का कितने नंबर आए, 1. हाइड्रोजन कितना आए, 2. और ऑक्सीजन कितना आया, 1. C1H2O1 इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए गिवन कंपाउंड जो आपको निकालना था.
मैक्स इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दीजिए इसके बेस पे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू कार्बन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो आ जाएगा 30 ग्राम पर इक्विवेलेंट। हो गया, चलो नाउ मोलार मास कितना दिया है आपको देख लीजिए क्वेश्चन में। मोलार मास ऑफ द कंपाउंड गिवन इज इक्वल टू 120 ग्राम पर मोल। आगे हमने जैसे कहा था N इज इक्वल टू मोलार मास, लास्ट वीडियो में जैसे सीखे थे, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मोलार मास कितना दिया है आपको 120 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास कितना आया 30। 120 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो कितना आ गया 4, 10 वैल्यू मिल गया। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। चलो एन की वैल्यू कितनी आई 4 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या था C1H2O1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो C4, 2 इंटू 4 करेंगे तो H8 और 1 इंटू 4 करेंगे तो O4। सो C4H8O4 इज द आंसर ऑफ अवर मॉलिकुलर फॉर्मूला। बहुत इजी है ये सब मेथड, इस तरीके से कीजिएगा तो NCERT की टेक्स्ट बुक से भी इजी तरीके से और लाइफ टाइम आप बिना किसी गलती के याद रख के कर पाएंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। सिर्फ क्या करना है, वॉट एवर द परसेंटेज गिवन, एलिमेंट के परसेंटेज को लिख दो, पहले एलिमेंट परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, वॉट एवर द परसेंटेज इज इक्वल टू इज गिवन मास, तो 40% है तो 40 ग्राम, 6.67 है तो इतना। अगर टोटल नहीं दिया है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, टोटल परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमेशा 100 ही होते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू 100, यानी टोटल मास 100 में से ही काउंट होगा। बाद में उसके एटॉमिक मास लिख दीजिए, मोल बना दीजिए गिवन मास बाय मोलार मास से, गिवन मास बाय मोलार मास करेंगे तो हमें मोल मिलता है और एटॉमिक मास बराबर, तो मोल में से जो लोवेस्ट मोल वैल्यू आया 3.3, डिवाइड इन ऑर्डर टू गेट द सिंपल रेशियो डिवाइड विद द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू, तो 3.33 डिवाइड बाय 3.331, 6.67 डिवाइड बाय 3.332 लाइक वाइज। तो इसका इस तरीके से हमें ये किसका टेबल मिल गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया आपका एम्पिरिकल फार्मूला C1H2O1, उसी का यूज़ करके क्या निकाल लीजिए एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास कितना दिया था कंपाउंड का आपका, ऑलरेडी गिवन इन अ वैल्यू 120 ग्राम पर मोल। नाउ एन इज इक्वल टू मोलर मास बाय एम्पिरिकल मास, 120 डिवाइड बाय 30 हो गया। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, 4 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना है C1H4H2O1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो C4H8O4। इन दिस वे यू कैन एबल टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एनी कंपाउंड। डू एन्जॉय योर स्टडी एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट डिटेल।